जय श्री मन्नारायण, जय श्री मन्नारायण। तो आइए अब सितंबर माह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह जानें और इसका उपाय भी बताएंगे। किसी का कोई गड़बड़ी है, कोई परेशानी आने वाला है तो उसे बचने का उपाय बताएंगे। 1 से 10 सितंबर तक गुरु का गोचर एवं मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि राशि पर है, वृश्चिक राशि पर। सरकारी कार्यों में गति रहेगी, एक चिंता बनी रहेगी। कमीशन का कार्य करने वालों को सफलता प्राप्त होगी, नई जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है, व्यापार में सफलता रहेगी एवं नौकरी में अधिकारी सपोर्ट करेंगे। विदेश जाने वालों की वीजा समस्याएँ समाप्त होंगी और 11 से 20 सितंबर तक तृतीय चंद्र रहेगा, बहुत ही राहत महसूस करेंगे। कई अटके कार्यों में अवगति आ जाएगी, आय में सुधार होगा एवं नए कार्यों की प्राप्ति भी होगी। 13-14 को परेशानी भरा समय रह सकता है। 15 तारीख के बाद, सितंबर के बाद शुभ समाचार मिलेंगे एवं मित्र ग्रहों के दृष्टि से काम सफल होंगे। बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति होगी। 21 से 30 सितंबर तक गुरु का गोचर इस दृष्टि पर, वृश्चिक राशि पर रहेगा, किंतु मंगल की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ अच्छा रहेगा किंतु 23-24 तारीख को निजता भंग हो सकती है। अन्य के कार्य में दखल देने से परेशानी होगी। 25 तारीख से समय में सुधार आएगा। आय में वृद्धि के साथ कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आलस्य समाप्त होगा एवं नए कार्य करने का मन होगा। बच्चों से सपोर्ट प्राप्त होगा और यात्राएं सफल होंगी। नौकरी पेशा वालों के लिए, नौकरी के लिए समय अनुकूल है। आपको मन अपने बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तरक्की के मौके हाथ आएंगे और कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। आय के साधन बढ़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मास कैसा रहेगा? तो समय हर तरह से आपके फेवर का है। बिजनेस में कोई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आय के मौके बने रहेंगे। कोई नुकसान होने का योग नहीं है। पूरी लगन से किए गए काम का परिणाम मिलेगा। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी सिंह राशि वालों का? परिवार की कोई बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान से संबंध अच्छे रहेंगे। भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। और सेहत संबंधी स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन माह के प्रारंभ में मंगल की दृष्टि के कारण रक्त यानी ब्लड से जुड़ी बीमारियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी मेहमान के आने से आपको खुशी होगी। प्रेम बढ़ेगा। किसी बात पर बहस हो सकती है। प्रेमियों के लिए समय अच्छा रहेगा। संपत्ति के मामले में संपत्ति के लिए शुरुआती 20 दिन लाभ के रहेंगे। इस दौरान आप संपत्ति की खरीद बिक्री से जुड़े काम पूरे करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। उपाय, यदि किसी को दिक्कत महसूस हो रहा है, न भी हो रहा है, तो ये करने से अच्छा ही रहेगा। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद बच्चे को कपड़ा गिफ्ट दें। इससे आपको लाभ मिलेगा और संभव हो तो मंगलवार को हनुमान जी को छोला चढ़ाएं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।